हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज वैभव और आज हम देखने वाले ऑल योर पेन इन वन वीडियो। इसका मतलब आपको ये वीडियो देखने के बाद दर्द होगा बिना लगे। तो यहाँ पर एक कैन है। हुआ दर्द हुआ ना। आई नो, मुझे पता है आपको भी दर्द हुआ है। तो ये बंदा या बंदी उस कैन को खोलने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसका नाखून टूट गया। इमेजिन करो, आप एक कैन खोल रहे हो एंड आप ऐसे नाखून से उसको खोलते हो एंड कट कर से नाखून टूट जाता है, भाई कितना दर्द होगा। ओके, मोबाइल फेंका। इट हैपन्स ऑल टाइम। नॉर्मली क्या होता है कि हम लोग बाहर से घर में आते हैं एंड देन हमारे जेब में जो फोन होता है उसको निकल कर हम ऐसे फेंकने की कोशिश करते हैं बेड के ऊपर या कोच के ऊपर, एंड देन वो बेड के ऊपर फेंकने के बाद नीचे गिर जाता है। एंड मैंने भी ये चीज़ बहुत बार करी है एंड मेरा भी मोबाइल हर बार नीचे गिर जाता था, ना कि बेड के ऊपर लैंड होता था। हथौड़ा उसकी उंगली पर लग गया। तो ये लगा उसको है लेकिन दर्द मुझे हुआ है। लेकिन मुझे एक बात समझ नहीं आ रही, ये यहाँ पर एक मीट का टुकड़ा है एंड ये हथौड़े से क्या कर रहा था इसको। मेरे साथ भी ये चीज बहुत बार हो चुकी है। एक बार क्या हुआ था कि मैं एक दीवार पर एक कील ठोक रहा था, जो कील होती है, एंड वो कील को लगाते हुए क्या हुआ कि उस पर मैं हथौड़े से मार रहा था, लेकिन गलती से उसको लगने के बजाय मेरी उंगली पर आकर हथौड़ा लग गया, तो बहुत ज्यादा दर्द हुआ था। एंड एग्जैक्टली यहाँ पर भी वही चीज हुई है, बस यहाँ पर मीट है एंड मैं वहां पर कील ठोक रहा था। ब्रेकफास्ट कर रहा है आगे एवरी टाइम। तो यहाँ पर बंदा ब्रेकफास्ट कर रहा था लेकिन उसको बीच में अचानक से कहीं से छींक आ गई एंड उसने छींक दिया मे बी नीचे कैलॉग से उसके अंदर, वो उठकर बाहर चले गए। नो, सारा नीचे गिर गया। एंड ये भी चीज बहुत ज्यादा रिलेटेबल थी, मे बी आपके साथ भी हुआ होगा। कभी आप अपने घर पे अंदर टीवी देख रहे हो एंड आपने आपके साइड में कुछ रखा है खाने के लिए एंड आप टीवी देखते देखते आपका धक्का उसको लग जाता है, वो चीज नीचे गिर जाती है, तो साफ करना पड़ता है यार, दर्द होता है। No way. तो ये बंदा वहां पर किसी का वेट कर रहा था एंड सामने से गाड़ी आ गई, उसको भी कर चली गई। तो ये चीज मेरे साथ कभी ज्यादा हो ही नहीं है, मुझे याद भी नहीं आ रहा कि ऐसा कभी मेरे साथ हुआ था, लेकिन बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा होता है कि वो कहीं पर सड़क किनारे खड़े रहते हैं, एक गाड़ी आकर सारा पानी उनके ऊपर उड़ा कर चली जाती है। एंड ये चीज मोस्टली बारिश के दिनों में होती है, क्योंकि बारिश के दिनों में रोड पर बहुत सारा पानी जमा हुआ होता है एंड गाड़ियां जाती है तो पानी उड़ता है। ओके, इसके हाथ में एक केक है, कहां पर जा रहा है ये केक लेकर? हेलो, वेयर इज गोइंग? ओह, केक नीचे गिर गया। आओ, किसी के बर्थडे का केक आप कहीं पर लेकर जा रहे हो एंड देन अचानक से धक्का लग जाता है किसी का एंड केक नीचे गिर जाता है, तो कैसा फील होगा? वैसा ही मुझे अभी फील हो रहा है। क्या कर रहा है ये? वो लगा जोर से लगा, बहुत जोर से लगा। ये चीज लिटरली हर एक इंसान के साथ होती है, मे बी आपके साथ भी ये चीज हुई होगी। बहुत बार क्या होता है कि हमको अपने ही घर में कभी कभी लग जाता है, टेबल लग जाता है, दरवाजा लग जाता है एंड अगर वो उंगली पर लगता है, पैर की उंगली पर, तो वो ज्यादा ही दर्द करता है एंड ये देखने के बाद भी दर्द होता है, भाई दर्द होता है। एंड अगर इस दर्द को हम किसी चीज के साथ कंपेयर करें तो ऐसा होगा कि एक बार आपको 100 लोगों ने थप्पड़ मारा हो एंड दूसरी तरफ आपकी उंगली दरवाजे पर या टेबल पर लगी हो, पैर की उंगली, तो वो में भी सेम होगा। तो एक कप से दूसरे कप के अंदर कॉफी डाल रहा है। नो वे भाई, वो नीचे गिर रही है। उसने लिटरली कप को तोड़ी। गुस्सा आना ही चाहिए एंड जब गुस्सा आता है तो हम ऐसे ही कप तोड़ देते हैं, लेकिन आपको कप तोड़ने की कोई जरूरत नहीं है। तो मे बी ये भी चीज आपने एक्सपीरियंस करी होगी। वो एक सुई को उठाने की कोशिश कर रहा है लेकिन सुई उठ नहीं रही है एंड जब वो उठ गई तो उसमें धागा नहीं मिल रहा है। तो सबसे पहली चीज, पिन को उठाना मुश्किल तो होता है एंड उसके बाद जब हम उसको उठाते हैं एंड उसके अंदर धागा डालते हैं एंड वो नहीं डलता, तब बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। ऐसा लगता है कि क्यों नहीं हो रहा, ये हर बार ऐसा ही होता है। मतलब मैं सिलाई का काम नहीं करता लेकिन हुआ है, मम्मी वगैरह बोलती है कि यार इसके अंदर धागा वगैरह डालकर दे, तो हम डालकर देते हैं एंड हमको भी कई बार टाइम लग जाता है, लेकिन जो बूढ़े लोग होते हैं उनको तो कभी एक मिनट, कभी एक साल, कभी ढाई साल। ये कुछ तो खा रहा है। ओह, उसके खाने में कुछ तो अटका है। एक बाल। यस, ये भी चीज मेरे साथ हुई है। खाने में बहुत बार नहीं लेकिन 2-3 बार तो बाल आ चुका है एंड जब खाना खाते खाते जब बाल हमारे मुंह के अंदर चला जाता है ना एंड जब उसको बाहर निकलते हैं, वो बहुत ज्यादा अलग। बिस्किट खा रहा है ये। नो, बिस्किट गिरने वाला है, नीचे गिरने वाला है डेफिनेटली। नीचे गिर गया। 100 में से 90 बार तो बिस्किट गिर ही जाता है चाय के अंदर, जब हम चाय के साथ बिस्किट को खाते हैं तब। मुझे कमेंट में बताओ अगर आपके साथ ये चीज कभी हुई हो तो। यहाँ पर एक पिन पड़ा है, उसके ऊपर पैर रख दिया।
सीधा उसने पिन के ऊपर पैर रख दिया भाई, वो बीच में लगा है, मतलब एसी पिन है एंड ऐसा पैर रखा उसके ऊपर, वो बीच में लग जाता है भाई, बहुत दर्द होता है। यहाँ पर ये फोटो खींच रहा है, मैं भी नहीं खिंचवा रहा है। ओके उसमें क्या है? तो ये बंदा अपनी फोटो खिंचवा रहा था एंड बीच में अपना हाथ किसी ने घुसेड़ दिया, दैट्स व्हाई फोटो खराब हो गई। एंड सबसे ज्यादा बुरा तब लगता है कि वही हमारी बेस्ट फोटो हो एंड उसमें किसी का हाथ हो या पैर हो, तब तो बहुत ज्यादा गुस्सा आता है कि यार ये मेरी बेस्ट फोटो है, मतलब मैंने 100 फोटोज खींची उसमें एक फोटो अच्छी आई एंड वो भी फोटो में किसी का हाथ या पैर आ गया, तो पूरी फोटो ही खराब जो होती है। मोबाइल पर ये कुछ तो देख रहा है एंड मोबाइल गिर गया। ऑलवेज रात को हम बहुत बार मूवीज वगैरह देखते हैं, कई बार वीडियोज देखते हैं एंड सोते सोते जब हम देखते हैं तो हमारा मोबाइल ऐसे ऊपर होता है एंड कभी कभी हमारा हाथ दर्द करने लगता है तो बीच में मोबाइल मुंह के आकर, मतलब मुंह के ऊपर आकर गिरता है। एंड ये भी मैंने एक्सपीरियंस करा है एंड आपने भी मे बी इसको एक्सपीरियंस करा होगा, आपके भी कभी सर पर मोबाइल वगैरह गिरा है क्या, मुझे नीचे कमेंट्स में बताओ। तो ये अपनी चाय को उसके कमरे के अंदर लेकर जा रहा है, नो वे चाय गिरने वाली। बहुत बार हुआ है मेरे साथ, मतलब क्या होता है कि मम्मी चाय वगैरह बनाती है देन मैं उसको लेकर आता हूँ अपने रूम में जहाँ पर मैं वीडियोस वगैरह एडिट करता हूँ, शूट करता हूँ एंड बहुत बार क्या होता है कि मैं उनको लेकर आता हूँ एंड चलते चलते ऐसे हिल जाते हैं, उसमें से नीचे गिर जाता है, तो बहुत अजीब लगता है, बहुत गुस्सा आता है क्योंकि यार हमको बाद में उसको साफ करना पड़ता है। तो किस किस ने अपनी चाय नीचे गिराई थी चलते चलते, मुझे कमेंट्स में बताओ। तो ये बंदा यहाँ पर किसी से बात कर रहा है एंड बात करते करते हाथ को लग गया, ये भी हुआ है कभी कभार। हम किसी के साथ बातें वगैरह करते हैं, बातें करते करते हमारा जो ये, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं मुझे पता नहीं है, एल्बो, इसको इंग्लिश में एल्बो बोलते हैं, ये किसी को लग जाता है या किसी दीवार पर वगैरह लग जाता है तो दर्द होता है। यहाँ पर ये वाटरमेलन खा रहा है, इसमें क्या है भाई? एवरी टाइम इट हैपेंस, वाटरमेलन खाते वक्त ये चीज हमारे साथ होती ही रहती है। वाटरमेलन में वैसे बहुत सारा पानी होता है, जब हम उसको ऐसे खाते तो पानी ऐसे 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 बहते 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 यहाँ पर यहाँ तक चला आता है एंड मोस्टली क्या होता है कि जो वाटरमेलन का पानी होता है वो थोड़ा सा मीठा होता है एंड वो चिपचिपा ऐसा होता है, मतलब ये हाथ के ऊपर लगता है तो बहुत अजीब लगता है। तो दैट्स वाई वो जैसे मेरे हाथ के ऊपर लगता है तो सबसे पहले मैं अपना हाथ धोकर आता हूँ क्योंकि यार बहुत अजीब लगता है। एंड मे बी आपने भी वाटरमेलन कभी ना कभी खाया होगा एंड अगर खाया होगा तो ये भी हुआ होगा। फ्रिज का डोर ओपन किया एंड फ्रिज खाली मिला। तो जो लोग खाने के शौकीन होते हैं उनके साथ तो ये चीज़ हमेशा होती होगी क्योंकि उनको यार भूख हमेशा लगती है एंड जब वो फ्रिज के अंदर जाकर देखते हैं कुछ भी नहीं है, यार मेरे को भूख लगी है मैं क्या खाऊं। आई गेस कोई डोसा वगैरह बना रही है, सर्कुलर होना चाहिए ये। नो उसने बिगाड़ दिया उसको, व्हाई व्हाई, नो नो, लगा ही था मुझे कुछ ऐसा होने वाला है। ओके बहुत सारे लिपस्टिक्स है भाई, व्हाई व्हाई। तो हाथ धोते वक्त ना बहुत बार क्या होता है कि हमारे स्लीव्स के ऊपर या जो हमारा शर्ट होता है उसके ऊपर भी पानी चलाता है एंड जब पानी उसके ऊपर होता है तो यार बहुत अजीब ऑकवर्ड लगता है क्योंकि यार पूरा शर्ट पूरा एकदम सूखा है एकदम कॉटन की तरह, लेकिन बीच में वो सिंक की वजह से या वो बेसिन की वजह से वहां पर हमारा हाथ गीला हो जाता है तो बहुत अजीब लगता है। आई थिंक ये चीज कोई कलर वगैरह है उसके अंदर, उसने लिटल अपना अंगूठा डाल दिया उसको पूरी तरीके से बाहर निकल दिया। उसने केचप को पानी के अंदर डाला, व्हाट द हेल, केचप को पानी के अंदर डालने का सोच के ही मेरे को दर्द होने लगा है मेरे दिमाग में क्योंकि केचप को पानी के अंदर, भाई कितना अजीब है ये, कितना वियर्ड कॉम्बिनेशन है। तो यहाँ पर प्रोबेबली क्रिकेट या फुटबॉल का मैच चल रहा है लेकिन इस बंदे को जो टिकट मिली है वो एक खंबे के सामने, भाई इतना अनलकी कैसे कोई हो सकता है। लोगों ने एक खंबे के सामने सीट ही क्यों बनाई है, वही बनाने की कोई जरूरत ही नहीं है ना क्योंकि खंबे के सामने वाली सीट जिसको मिलेगी यार उसको कितना बुरा लगेगा, उसको खड़े होकर मैच देखना पड़ेगा। पर गाइस आज के लिए इतना था एंड आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा एंड आपको कितनी बार दर्द हुआ वो मुझे नीचे कमेंट्स में बताओ क्योंकि आज बहुत ज्यादा पेनफुल था ये वीडियो एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग, विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय।